वेलकम एंड जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के, किए हो ठीक है हो, खुश है हो, अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। अच्छा हाल हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी की है हाशिम भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुठी आ, खूबसूरत आ। उन्होंने कहा पूछो जेके अधु कलाक ट्रैफिक में फंसी ने, उन्होंने कहा पूछो जिंदगी की है। यो सवाल उन्होंने माण्हुनि खां वाकई में पुछण ते दिल कर दिया है, जेके माण्हू डेली सुबुह जो वेंदा आहिनि स्कूल जी ट्रैफिक में फासंदा आहिनि, ऑफिस जी ट्रैफिक में फासंदा आहिनि, ऐं पोइ जॾहिं उहो वापसी करे रहिया हूंदा आहिनि घर जी तरफ़, तॾहिं बि उहे ट्रैफिक में फासी वेंदा आहिनि। ऐं कुझु अरसो असां उन ट्रैफिक खे न पिए ॾिठो त ईअं पियो लॻो त यार मतिलबु ज़िंदगी ॾाढी हसीन आहे, बट उन ट्रैफिक खे ॾिसण खां पोइ बि असांखे इहो चवणो थो पए ज़िंदगी हसीन आहे न आहे, पर ट्रैफिक ॾाढी हसीन आहे। छा कयां, इहो उन्हनि माण्हुनि जी मजबूरी हूंदी आहे जेके हमेशह पॉज़िटिव साइड हर शइ जो ॾिसंदा आहिनि, उन्हनि जी मजबूरी हूंदी आहे, ट्रैफिक खे बि सुहिणो चवंदा आहिनि न हाशिमे? चवणो आहे छो जो कमु न त रुकी वेंदो, कमु रुकी वेंदो बिल्कुलु, चवणो आहे, हलणो आहे, करणो आहे, इते ई रहणो आहे। हाशिम भाई कुझु कमकार कयूं, ॻाल्हियूं वाल्हियूं त कंदासीं, को कमकार कयूं, रोज़ी कयूं जी। Oh,
मोको शायरी फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। खपो जिंदगी रिटी हुजे या न रिटी हुजे, पर यस के एंटीबायोटिक खपो जिंदगी का रिटी हुजे ना, वो भी नहीं खुबार में होंदो। ये जे के अल्फाज हुआ वो मैं याद पे कयो, मैं वो दौर याद पे कयो, तो जे इंसान एंटीबायोटिक खाइंदो आ एक्चुअली इंसान ने नशन में होंदो आ, खुमार में होंदो आ, जो होश से को ताल्लुक कोन होंदो आ इंसान जो ना। हाशिम भाई इश्क भी एंटीबायोटिक का परफॉर्मेंस, यस बिल्कुल एंटीबायोटिक जो कम थी करे वो एंटीबायोटिक है, वो स्ट्रॉन्ग डोज है जो तुम्हें मिनट्स में ठीक कर। आई रिमेंबर मैं एक कंपनी में कुछ अर्सों कें कंपनी में जॉब कई आई, जैसे मैं बीमार थी हम उए खबर नहीं वो कड़ी मेडिसिन होंदी पर उ खाए इंसान यू नो विद इन एन आवर और टू मैं बिल्कुल ठीक थी वी हम, बट वो एडो स्ट्रॉन्ग डोज दींदा ताकि भाई नौकरी से वापस अचो, घड़ो आराम थी घर में था जल्दी नौकरी से वापस अचो, बट यो आहे त तहां उए मेडिसिंस बिल्कुल खायो जो कि डॉक्टर्स देन था भी सुठी गाल आ, जेको भी आ डॉक्टर्स जो कम आसा के उनमें इंटरफेयर न करन खपे, जी मानु सने कम में इंटरफेरेंस कदा है डॉक्टर्स के कम में इंटरफेयर न करन खपे, बट यस मां करे करे यो सोचिंदी हम त तहां एतरो जरे स्ट्रॉन्ग तहां मेडिसिंस खायो था त उनखा पो तहां जी बॉडी छो त यूज टू थी वने थी उनन स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जी, त पो तहां के वो के सॉफ्ट मेडिकेशंस आहन या नंडी नंडी जेके टैबलेट्स आहन ओए तहां जी बॉडी जेका है उनके एक्सेप्ट न कंदी पोतानी बॉडी उन जिला वो केमिकल कुछ भी न होदो, त जी ही जेको फार्मूलो मुजो किथे कदी करे मखे ये लगंदो आहे पान ताई बेन ताई न पान ताई मखे लगंदो जेको मुजो फार्मूलो आहे, त थोड़ी थोड़ी नंडी नंडी सॉफ्ट सॉफ्ट सु अगर कदे जुकाम बुखार थी वने या खुदा न खास्ता को इन्फेक्शन थी वने त नंडी नंडी दवाउन ते हलजे बजाय जो एकदम से तहां स्ट्रॉन्ग पूरो डोज मेडिसिन जो खायो जेके खाइन था सुठी गाला मां बिल्कुल उनन जे कम में कुछ न पीछा, बट दिस इज फॉर मी, दिस इज ओनली फॉर मी, दिस इज ओनली फॉर समवन जेको मुंजी नेचर जो आहे जेको मेडिसिंस के बर्दाश्त नथो करे सके, जेको मेडिसिंस के इटसेल्फ एक बीमारी समझंदो आ, सो जी मुझे लमो के ये लगंदो आ सॉफ्ट मेडिकेशंस इलाही जरूरी आहन जिंदगी में, आई हुआ भी तहां के जदे स्ट्रॉन्ग मेडिसिंस चवना आहन त तहां के उन टाइम ते रेनी मिलिया जदे तहां के लाइट जेका मेडिसिन आ वो कम न करे, सो असा लाइट ते खुश आयो असा जिंदगी के लाइट मेडिसिन से गड जीण चाहूं तो उन ते सा खुश हो सा स्ट्रांग तरह था वणण चाहूं, पर
पर स्ट्रॉन्गली तव्हां जे लाइ प्रोग्राम असां ज़रूरु खणी ईंदासीं। असां उहो प्रोग्राम में बिल्कुल बि का लाइटनेस न रखंदासीं, तव्हांखे फुली इंटरटेन कंदासीं ऐं फुली तव्हांखे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ॾींदासीं। पर इन सभु करण खां पहिरीं, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हीउ टाइम हूंदो आहे जंहिं टाइम असां ब्रेक ते वेंदा आहियूं नाज़रीन, ब्रेक ते वञूं था वापसि ईंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, कचहरियूं कंदासीं ऐं हाल अहिवाल हमेशह वांगुरु जीअं थींदो आहे उहो ज़रूरु कंदासीं। टाइम थियो आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम, बरकत फर्टिलाइज़र, हारी जी अज़मत फसलनि में बरकत। महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जो तारुफ़ प्रोग्राम में रखूं था। अॼु जी सॻ जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फर्मा आहे, वॾो पंद्रहं था चई सघूं हाणे। अच्छा, पहिरीं जो जेको पंधु हूंदो हो, पहिरीं पंधु एक्चुअली लॻंदो हो पंधु हूंदो हो, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे जेके पहिरीं जूं ॻाल्हियूं ॿुधियल आहिनि, पहिरीं जेका माण्हू सफ़र कंदा हुआ उठनि ते त पैदल जीअं सफ़र थींदो हो, ॾींहंनि जो सफ़र थींदो, पर हाणे त सफ़र बि ईअं थो लॻे जीअं मिंटनि जो खेल आहे ऐं मिंटनि में बसि सफ़र थी थो वञे। पर वरी बि जॾहिं तव्हां एतिरो परे खां सफ़र करे अचो था, त उहो जेको डिफ़रेंस नज़र अचे थो, मां इहो सोची आहे जेके पहिरीं माण्हू इन डिफ़रेंस खे तइ कंदा हूंदा, इन एतिरनि ई किलोमीटर्स खे तइ कंदा हूंदा सफ़र खे, उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं हूंदी। कॾहिं को अहिड़ो पुराणो माण्हू शायदि मूंखे मिली वञे हा, त मां थोरो सो पुराणो पहिरीं ज़माने में पैदा थी वञा, त उन्हनि खां मां इहो ज़रूरु इंटरव्यू कयां त उहा तकलीफ़ माण्हू खणंदा कीअं बा। ख़ैर जी, उन तकलीफ़ जे बारे में त ॻाल्हायूं त ॻाल्हायूं, पर प्रोग्राम में उन्हनि सफ़रनि जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं जेके हिननि जी ज़िंदगी में हलनि पिया। जनाब अब्दुल हादी कक्कर साहिब सगत तशरीफ़ फर्मा आहिनि, पाण जी एडवोकेट हाईकोर्ट आहिनि, गॾोगॾु जी फॉर्मर एडवाइज़र टू CM बलोचिस्तान रही चुका आहिनि, सोशल वर्कर आहिनि ऐं चेयरमैन आहिनि हिकु फॉरम जा, ग्रीन पाकिस्तान फॉरम जा चेयरमैन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? वेलकम। तबियत ठीकु आहे? तबियत ठीक। ज़िंदगी ख़ुशि आहे? ज़बरदस्त 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 आहे। छा पियो थिए ज़िंदगी में अब्दुल हादी साहब? बस ज़िंदगी में ये है कि उर्दू तो समझ आती है। हाँ जी बिल्कुल, सब समझ आते हैं जो जो देखने वाले। आप सिंधी समझ सकते हैं? पहले ये बताएं मुझे। मैं सिंधी समझता तो हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। समझ सकते हैं, बस हमें इतना ही चाहिए, हमें इतना ही सुनना होता है। अच्छा, सिंधी लोग बड़े मोहब्बती माणू होता है, हमने इतना ही सुनना होता है कि हाँ जी हम समझ लेंगे, आप जो बोलेंगे हम समझ लेंगे। क्या हाल चाल है जी, क्या हो रहा है जिंदगी में? हाँ महवीर साहिबा, बस जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। साथ साथ हम काम भी कर रहे हैं, यूथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सियासी मोटिवेशन भी जारी है, सोशल वर्क भी जारी है, बहुत सारे इश्यूज़ है इस वक्त जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, यूथ एम्पावरमेंट, तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है 22 करोड़ आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल। बिल्कुल, आज नौजवानों को एक ज़बरदस्त और एक मस्बत प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है जी। अब आपका जो चैनल है आवाज़, ये मैं समझता हूँ यूनिक चैनल है कि माशाल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से सबको मौका दिया जाता है बोलने का। बिल्कुल, और एक ऐसा मौका है कि जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ बासानी पाकिस्तान के नौजवानों तक पहुँचा सकें। इस वक्त सबसे ज़्यादा एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि मुल्क में एक ज़बरदस्त सियासी इदारा होना चाहिए। वो सियासी इदारा इस तरह हो कि पूरी कौम को इकट्ठा करे और उसको एक विज़न दे, इस चीज़ के ऊपर काम हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसमें हम और आप क्या रोल अदा कर सकते हैं? एक आप मीडिया पिलर के रोल अदा कर सकते हैं जी। और हम उसमें ये है कि उस पिलर के ऊपर खड़े होकर सबको मोटिवेट कर सकते हैं कि इस कौम की रहनुमाई किस तरह होनी चाहिए। आप देखें कि जिस दिन हमारे पास एक मजबूत सियासी निज़ाम आया, पाकिस्तान दुनिया का टाइगर बनेगा ये कौम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, सियासी इदारा की इदारे की आपने बात की, सियासी इदारे तो बड़े हैं हमारे पास, ये कोई अलग किस्म का हम कोई ला रहे हैं, कोई इदारा ला रहे हैं, कोई अलग किस्म का फॉरम बना रहे हैं? क्योंकि इदारों की बात होती है तो वो तो लिस्ट है हमारे पास, वो हो सामने होना हो, लेकिन लिस्ट बड़ी है हमारे पास। महवीर साहिब, बहुत सारे लोग फिर खफा हो जाते हैं अगर सच बोल लेते। हाँ जी। वो लिमिटेड कंपनियाँ हैं। वो लिमिटेड कंपनियाँ हैं, उसने अपने पैसों से लोगों को रखे हुए हैं और जिसकी बुनियाद पर वो उनकी पब्लिसिटी करवाते हैं, असम्बलियों में पहुंचाते हैं, आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं करते, कौम की नुमाइंदगी तो नहीं करते। तो जो जिसका मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि एक ऐसा सियासी निज़ाम जो दुनिया में है, बरतानिया में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है जी, इस तरह जापान में है। क्योंकि अगर आपके पास एक मजबूत सियासी निज़ाम हो, वो सियासी निज़ाम उसकी बदौलत आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो
कि एक ज़बरदस्त एक मुनज़्ज़म हुकूमत वजूद में आती है। जब मुनज़्ज़म हुकूमत वजूद में आए वो आवाम वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए फिर अगले 5 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज सोशल पॉलिसीज और ये पॉलिसी जब देती है उसके नतीजे में मुल्क स्टेबल होना शुरू हो जाता है और माशी तौर पर खुशहाल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये होता है कि आप देखते हो कि जब आप इंटरनली मजबूत होते हो तो आप एक ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी परसू कर सकते हो। जब आपकी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी होगी आप दुनिया से जाते हो, पूरी दुनिया उसके एक तमन्ना होती है कि जिस तरह आज हम जापान की ख्वाहिश करते हैं कि जापान जाए, यूएसए जाए, जर्मनी जाए, तो इस तरह वो दुनिया के लोग वो ये तमन्ना ख्वाहिश करते हैं कि आकाश हम पाकिस्तान भी जाए। सही। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ आज क्या है, आज के दौर में हमने ये कि बड़ी मुनाफ़िकत की, मुनाफ़िकत इस सेंस में की कि हमने सियासत को कारोबार समझा है, इसको तिजारत बना दिया जी। और इसमें हम अपनी पाकिस्तानी कौम का ही इस्तेहसाल करते हैं जिसके नतीजे में ये होता है कि जो मुफाद परस्त टोला है वो ऊपर आ जाता है, जो मुल्क का सही मानों में खिदमतगार पढ़े लिखे एक हकीकी मानों में नुमाइंदगी करने वाले टोला है वो पीछे रह जाता है, और जिसकी वजह से ये गैप और ये इतना गैप वाइड होता है कि इसको फिर आप 4 डिकेड्स में 5 डिकेड में भी फिल नहीं कर सकते हो जो आजकल हो रहा है। तो इसलिए अभी क्या है कि इसमें ये रोल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एक दूसरे को क्या करें क्रिटिसाइज करें, बल्कि हमें एक ऐसी फॉर्मेटिव ये एक ऐसी सजेस्टिव थ्योरी देनी चाहिए कि जिससे इस कौम को आगे बढ़ने के एक उसमें विजन हो। ये बहुत बड़ी एक अप्रोच है कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हाँ जी। अच्छा ये जिस विजन की आप बात कर रहे हैं अब्दुल हाजी साहब, हमने एक टाइम था जब हमने वो विजन देखा भी, हमने बड़ा हमें बड़ी शाइन हमें नज़र आई, बड़े स्टार्स हमारे जहनों में चमके कि वो विजन जो है वो अब क्लियर हो रहा है, वो जो इमरान खान की बात जो कहीं दुलदुला था, हर पार्टी यही करती है। जब आने से पहले हर पार्टी मुझे लगता है यही करती है, इसी तरह के विजन दिखाती है। मसला ये कि आने से पहले तो बड़े हम विजन देखते हैं, लेकिन जब हम आ जाते हैं तो उन विजन पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। फिर हम कहते हैं कि जी वो फलां जो था उसने ये कर दिया था, वो फलां जो था उसने ये कर दिया था, अब हम ये कवर करेंगे तो फिर अगला सोचेंगे। वो उसका अगला सोच सोचने में हमारा जो है एक लिस्ट जो है वो बैड वाली जो चीजों की है, जो जो नेगेटिव वाली चीजों की है, वो हमारा पलड़ा जरा भारी हो जाता है। हर बंदा इसी तरह ही करता है। तो ये जो विजन है ये पहले हमें दूर से नजर नहीं आ रहा होता, हम जब जाते हैं उसमें जब फंसते हैं वहां पर दलदल जब फंसते तो उसकी गहराई पता चलती है। क्या ये विजन भी इसी तरह है? बिल्कुल मेविश साहिबा, आपने सही फरमाया। यकीनन पार्टियों ने और सब ने इलेक्शन से पहले या अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। एक तो ये सोचे बिल्कुल पाकिस्तान बहुत कॉमन है जो कि हर कोई करता है, जब हुकूमत में आ जाते हैं फिर वो बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। बात यह है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं भी इस तरह अच्छी बातें करके सिर्फ अपने आप को इख्तदार तक पहुँचाऊँ। सोच ये है कि हम इसको ज़रूरी नहीं है कि हम फ़िलहाल ये सोच हुकूमत में पहुँचे असम्बलियों में पहुँचे तब जाकर ये मुमकिन हो, नहीं। हम इसके लिए क्या करें, सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसिस करें, मीडिया पर प्रोग्राम्स करें और नौजवानों को मोटिवेट करें, उनको एक सही प्लेटफॉर्म की तरफ डायरेक्शन दें। जब वो उस डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे तो आप ये समझेंगे कि वो कौम के सही मानों में नुमाइंदगी करेंगे। वो आएंगे, वो ये समझेंगे कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है और किस रिस्पांसिबिलिटी के तहत मैं ये अपना एक रोल अदा कर सकता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है। ये इसलिए कि एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए और वो प्लेटफॉर्म इस तरह ना हो कि वो एक लॉबी बने और नेगेटिव लॉबी बने या वो एक माफिया बने। आजकल क्या हो रहा है, अभी एक बंदा है वो आकर चैनल पर बैठ गया, चैनल पर बैठने के बाद उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, उसने अपने हम ख्याल लोगों का एक टोला बनाया। उसके अलावा उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप बनता है। प्रेशर ग्रुप बनने के बाद फिर वो क्या करता है, वो अपनी मनमानी शुरू कर देता है। जब अपनी मनमानी शुरू कर देता है फिर उसमें ये होता है कि वो उसका दूसरा हदफ ये होता है कि किस तरह मैं अपने आप के लिए एक
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वो गेन करूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन करूँ, और जिसके नतीजे में मैं अपना पोजीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रखूँ और यहाँ मुल्क को गरीबों का और उसका मुल्क का एक्सप्लाइटेशन करता रहूँ और पैसा जमा करता रहूँ, और फिर इसके बाद ये जमा करके फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि वेस्ट में रहना, क्योंकि वो खुशहाल मुल्क ममालिक है यहाँ से। तो ये ऐसे ग्रुप नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मलेशिया में आए, अब देखो महातिर मोहम्मद ने 8 साल में मलेशिया को लाजवाब तरक्की दी, कौम को एक विजन दी, ये बहुत बड़ी सोच है। तो ये क्या है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब देखो हमारी हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारी वो है फीमेल सेक्शन है, वो मायूस हो चुकी है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, हम उनके साथ होते हैं, इनकी सोच होते हैं, वो अपना इक्तदार तक जाने के लिए हदफ तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो हमें साइड से लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये जितनी भी आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ हम जब नज़र डाल रहे हैं कि वो उन्होंने इतने अरसे में कर दिया या आज बड़े अच्छे स्टेज पर बैठे हुए हैं, हम अच्छे से खुदा न खास्ता हम और बुरे की तरफ जाने वाले हैं, पता नहीं और मज़ीद कितना हमने और मुश्किलातें देखनी हैं, क्या इसमें अब्दुल हाजी साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ कसूरवार हमारा हुक्मरान है, हमारी आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्या बनती है, और आप क्या समझते हैं कि उनका एक आम आवाम का, एक आम शहरी का, एक आम पाकिस्तानी का यहाँ क्या रोल होना चाहिए, और क्या वो वैसा रोल अदा कर रहा है जैसे उन ममालिक की जिनकी हम बात करते हैं कि उनके हुक्मरान बड़े अच्छे हैं, क्या वैसे हमारे आवाम भी अच्छी हैं? महवीर साहब, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो आप कहते हो कि बाकी जो उसको रोल करने दिया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इसमें यह कहूँगा कि सियासी पार्टियाँ क्या करती हैं, सियासी पार्टियों ने यह किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें यह कि एक इलाके का एक फेमस पर्सन है जी, एक तो उस बंदे को उठा लिया, एक बंदा है जिसके पास बेताशा पैसा है, एक उस बंदे को उठा लिया, एक वो बंदा है जो असर सुख रखता है, ये तीनों बंदे उसको मिलाकर उसको पार्टी में डाल लेते हैं, और बाकी जो है वो उनको सिर्फ यहाँ तक झंडा हाथ में देते हैं, उनको स्टेज पर इनसे स्टेज सजवाए जाते हैं, उनको एज आइडियंस के तौर पर कि वो आप खाली बातें सुने, बाकी इनको पार्टिसिपेटरी रोल नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है। अब देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये है, वो ग्रास रूट लेवल से उठते हैं, ग्रास रूट लेवल से आप ये है कि फॉर एग्जांपल आप निचले तबके से आप वहाँ से इलेक्शन करवाएं, एक यूनियन काउंसिल के जी, मैं जी, पार्टी जी. का एक सर्कल बता रहा हूँ, मैं लोकल सिस्टम या उसका नहीं, आप यूनियन काउंसिल से वहाँ से वो करवाएं, फिर तहसील लेवल से करवाएं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवाएं, फिर आप प्रोविंशियल लेवल पर करवाए, फिर मरकजी लेवल पर करवाए, जिस तरह अमेरिका में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज है जी। तो ये क्या है, इस चीज़ के ऊपर आप इस तरह करें तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल से रूट पकड़ती जाएगी, और इस तरह करते करते सबके पार्टिसिपेटरी रोल, और उसमें क्या होगा, जो क्रीम लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो विजनरी लोग होंगे, जो ये चाहते हैं वो ऊपर आएंगे। ये है अभी बाकियों में फ़र्क क्या है, हमारी जो ग्रीन पाकिस्तान है उसमें सिर्फ ये है, ग्रीन पाकिस्तान का ये है कि हम, आपको पता है कि हम रिक्शे वाले के पास भी जाते हैं, एक रेडी वाले चलाने वाले के पास भी जाते हैं जी, हम यहाँ आपको पता है कि एक स्टूडेंट के पास भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में हम जाते हैं, हम सरकारी मुलाजमीन के पास भी जाते हैं, यानी सोसाइटी के ख़वातीन के पास भी जाते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो उनके पास गए, हमने अपना उनको कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उनको अपना ब्रोशर दिया कि भाई आप आए, फिर उसमें अपना एक आप किस तरह आप अपने सजेशन दे सकते हो, क्योंकि चुए नलाई ने कहा कि चाइना की तरक्की का सबसे बड़ी राज यही है कि चाइना का आधा आसमान मेल ने और आधा आसमान खवातीन ने, दोनों ने मिलकर उसको सहारा दे रखा है, जिसकी वजह से आज चाइना जो है वो फ्लोरिश कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आज हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम अपनी जो फीमेल है
हाँ जी, उसको भी एक पार्टिसिपेटरी रोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है अब्दुल हाद से हम काफी जगह पे हम दे तो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहीं रिटन में होता है या वो बताने के लिए या दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल जो आप कहीं भी देख लें, आप चाहे आप ना जाएं पार्टीज की तरफ, ये मुझे लगता है हमारी कल्चर में कहीं ये चीज पता नहीं कहीं से आई है और कहीं से मिक्स हो गई है कि हम अपने घरों में देख लें, हम अपने स्कूल कॉलेजेस में देख लें, हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में देख लें, उसके बाद जाके हम पार्टीज में देख लें। इन सब जगह पे हम जगह तो दे देते हैं लोगों के शायद प्रेशर में आके या देख के कि नहीं जी ऐसा होना चाहिए, हम कहीं नो बैक ऑफ द माइंड कहीं शायद एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हम जगह तो दे देते हैं लेकिन उस जगह के राइट्स हम कभी ख्वातीन को नहीं देते। मुझे ऐसे लगता है ये जो चीज़ें जो नज़र आ रही, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो हम दे तो देते हैं उनको जगह, लेकिन उसकी उस सीट के मुताबिक, उस जगह के मुताबिक, उस सरबराही के मुताबिक, उस औरत को, उस बच्ची को या उस लड़की को, चाहे स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ हों, इन सब को हम उसके राइट्स नहीं दे पाते। और उस पे और मज़े की बात यह है कि हमारी बच्चियों का ऐसा ब्रॉटअप हुआ हुआ है कि उनको उस तरीके के राइट्स भी नहीं पता। ठीक है, जो हमारी जो शहरी बच्चियाँ हैं या जो शहरी लड़कियाँ हैं, काफ़ी हद तक वो जान जाती हैं, वो उस चीज़ को कवर कर लेती हैं, लेकिन जो गांव देहात में बैठी हुई हमारी औरत है, वो आज भी इन सब चीज़ों से महरूम है, उसको आज भी अपने राइट्स ही नहीं पता। तो मुझे लगता है हमें वहाँ भी अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ तो फिर भी हम पढ़ा लिखा लेते हैं और बता लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके अवेयरनेस देना बड़ा एक महाज वाला काम है, और जो शायद हमने करना स्टार्ट भी किया है, कई सालों से हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ज़रा इसके बारे में भी आपसे मैं बात करूँगी। पढ़ते टाइम से आप ब्रेक जो नाजीन तहाँ से मुलाकात करूँ धन ब्रेक खा पोए। जी वेलकम बैक। यहीं सुबह जो आवाज़ के स्पॉन्सर किया हुआ है फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम, बरकत फर्टिलाइज़र, हारी जी अजमत, फसलन में बरकत। इन टाइम ते म्यूज़िक शामिल करने जो टाइम आए, अब्दुल हाद साहब कितना 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 शौक से म्यूज़िक सुनते हैं आप? मैडम, म्यूज़िक तो आपको पता है कि कल्चर का हिस्सा भी है। हम एशिया के लोग, पाकिस्तानी कौम म्यूज़िक सुनने के बड़े वो है, शौकीन होते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। कभी कभी मैं अक्सर टाइम नहीं होता, इतनी बिजी शेड्यूल है। 2009 से तो 2023 तक यकीन जाने जैसे 12-13 दिन गुजरे हैं। ऐसे ही है वाकई में, टाइम जो ऐसे गुजरा है ना 9-10 के बाद, आप सच कह रहे हैं। मेरे एक उस्ताद वो कहते हैं कि मैं वो कहावत है कि जवानी और टाइम ये बिल्कुल जैसे असर का टाइम होता है उसकी तरह है। तो इन्होंने कहा ये तो गुजर जाएगा, लेकिन ये है कि ज़िंदगी भी एक दिन इसी तरह गुजर जाएगी। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। और तभी असम भी हमेशा ये चाहते हैं तो ज़िंदगी जो कुछ ख़बर ना है, बेपल जो ख़बर ना है अॼुकल्ह, त ज़िंदगी ईअं आहे त जेतिरी आहे उनखे इंजॉय कयो, जेतिरी आहे उनखे सुठियुनि ॻाल्हियुनि में वठी वञो, बुरनि ॻाल्हियुनि में रही छा करिणो आहे। सुठियुनि ॻाल्हियुनि में हूंदासीं त वञण खां पोइ बि माण्हुनि खे यादि हूंदासीं, जे न हूंदासीं त जी छा थींदो। वञण सां कंहिंजे बि वञण सां ज़िंदगी कंहिंजी रुकंदी न आहे। हीअ जेका दुनिया गोल घुमे पई या ईअं ई घुमंदी रहणी आहे, माण्हू इचणा आहिनि, माण्हू वञणा आहिनि, पर हीअ जेको व्हील आहे न, इहो ईअं हलणो आहे। त इन व्हील में को ज़रो पंहिंजो पार्ट को अगरि प्ले तव्हां करे वेंदो त शायदि कुझु माण्हू तव्हांखे सुठे अल्फाज़नि में यादि करे वठनि। छो न प्रोग्राम में हाशिम भाई, इन ई ॻाल्हि सां गॾु, छो न प्रोग्राम में को ज़बरदस्त गानो को शामिलु कयूं, का ज़बरदस्त अहिड़ी मौसीकी जेका माण्हुनि खे अट्रैक्ट करे। ऐं मूंखे लॻंदो म्यूज़िक तो मुझे लगता है हर तरीक़े खां बंदे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं स्लो भी हो, फास्ट भी हो, कोई वो जो कल्चर टाइप के बलोची कल्चर का जो म्यूज़िक होता है वो भी बड़ा प्यारा होता है। तो ये जो जितने भी कल्चर के म्यूज़िक्स हैं, मुझे लगता है वो हर तरीके से अट्रैक्ट करते हैं इंसान को। क्यों ना कुछ सुने हम हाशिम भाई से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बल्कि हमारे माशाल्लाह जो हमारे पाकिस्तानी जितने भी कल्चर्स हैं, सब कल्चर्स हो, उसके म्यूज़िक तो आला पाई के हैं। बेशक बेशक ऐसा ही है जी हाशिम भाई।
दी बेकदरे जी यारी ओ बेकदरे जो लोग कदर नहीं करते उनसे राप्ता होता रहता है, कभी टकराए हैं जिंदगी में लोग? मैडम जाहिर सी बात है, इंसान को मुख्तलिफ फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली बात तो ये कि मैं म्यूजिक का माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने, यकीन जाने इतना मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। हम जो तारीफ एक्सेप्ट करते हैं वो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि सामने से कोई गा के सुनाए, फिर हमें लगता है बंदे को गाना अच्छा लगा है, फिर हम कामयाबी समझते हैं अपनी। क्या ख्याल है अब्दुल हादी साहब? मैडम बस जैसे आप फरमाइश करेंगे तो मैं इतना अच्छा तो नहीं गा सकता। कोई नहीं जो जैसा भी आप गा सकते हैं। हम कौन सा अच्छा गाते हैं? हम भी हाशिम भाई के पीछे लाइन ही बोलते हैं, हम कौन सा अच्छा गाते हैं जी? आपके खातिर तो मैं, आप दोनों की खातिर, अब क्या है, वोट दो है और मेरा एक ही वोट है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ जी, डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं ये, जरा आप देखें। तो गाना तो बस मैं सुनता हूँ, गा नहीं सकता। कोई ऐसी कोई एक लाइन किसी गाने की याद? अच्छा, हो अच्छा, वो कर लेंगे, बाद में करेंगे, हम जरा सोच समझ के करेंगे। आप लोग की मर्जी है। देखिए मैं तो कहती हूँ अभी फौरन जो अचानक चीज होती है ना। अच्छा, अब्दुल अच्छा। प्लानिंग तो जैसे हम पहले कह रहे थे बड़े लोग सितारे चांद सितारे सब दिखाते, तो प्लानिंग को छोड़े अचानक चीज करें आप तो बंदे को मजा आए कि हाँ जी ये बंदा वाकई में ऐसे ही है। ठीक ठीक है, मैं क्या क्या सुना रहे हैं जल्दी से? अच्छा, वो एक इंडियन मूवी का गाना है, बड़ा अच्छा, मैं कभी कभी सुनता, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हाँ जी, आगे फिर मुझे ये ऐसे तो
तो ना था, ये ऐसे तो ना था गाना, वो तो जरा खूबसूरत तरीके से था जरा। वही मैं कह रहा हूँ ना मैडम, मैं जब सुनाने पर आ जाऊँ तो शायद मैं उस तरह नहीं सुनाऊँ जिस तरह होना चाहिए। जितना जितना हम मैच कर सकते हैं हम उतना मैच कर लेंगे ना उसको। अच्छा अच्छा, चलो आप सुनाए फिर मैं सुनाता हूँ मैडम। कौन सा वाला गाना बताएं? वही आई हो मेरी जिंदगी, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है तुम प्यार प्यार बनके, तुम प्यार प्यार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये कभी कभी मैं वो पुराने सॉन्ग सुनता हूँ। हाँ जी, उसमें तो ये अच्छा है, ये तो वो बड़ा अच्छा मशहूर गाता है। जी जी, बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा वैसे एक ये हम गाना तो अच्छा है, उस पर तो नहीं, नहीं, वैसे पूरे पुराने मॉडल्स के बड़े नाम मॉडल के गाने पुराने मॉडल के गाने क्या नाम है मैडम वो जो इनके लिए गाते हैं? किन के लिए ये गाना जिसे हाँ, जिन्होंने हाशमी आमिर खान? नहीं नहीं, आमिर खान नहीं, जिसके लिए जो गाते हैं अपनी आवाज में, जगजीत सिंह है, बड़े मैडम बड़ा अच्छा मशहूर सब वो है। ये तो सोचना पड़ेगा कौन ऐसा मशहूर है जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा। किशोर कुमार तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, 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 नाम ले लिया अच्छा, मैं भी अभी बोल रहा हूँ। तो बड़े अच्छे हैं जो हमारी पूरे बरसगीर की स्पेशली हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें हमारा जो कल्चर है जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है थ्रू म्यूजिक, वो बड़ा यूनिक है। बेशक हमारे पाकिस्तानी स्टार्स नुसरत फतेह अली और फिल्मों में वो नाम अभी भी हमें याद नहीं आ रहा, वो कौन है जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, वो हम याद करेंगे। एक बात जो अब्दुल हाजी साहब मेरा क्वेश्चन वहीं अटका हुआ है, वो जब से मैंने वो अल्फाज सुना है आपकी जुबान से तो वो जो जुबान पे आपके अल्फाज आया तो वहीं अटक गया। ये गाना कुछ था आए हो मेरी जिंदगी में, ऐसा कुछ था, आपने शुरुआत की आई हो मेरी जिंदगी में, ये कौन थी जो आई थी ये जरा उसके बारे में तबसरा करिए, काफी देर से अटका हुआ था कई सवाल। नहीं नहीं, वो ये वैसे मैं कभी कभी जब ट्रेवल पर निकलता हूँ तो फिर वो म्यूजिक सुनता हूँ, कुछ लोकल म्यूजिक, कुछ इस तरह की म्यूजिक, फिर उसके बाद फिर मैं वो दोबारा जो पॉलिटिकल विजन है उस पर आ जाता हूँ। अच्छा, वो जो पॉलिटिकल विजन से आपको भी म्यूजिक हटाती है वो किस तरह हटाती है? वो पॉलिटिकल विजन से किस विजन पे चले जाते हैं वो जरा विजन हमें भी तो जरा इमेजिन कराए ना, वो क्या विजन होता है? वो इंसान है मैडम इस तरह है कि बेवर साहिबा, आप जब ट्रेवल कर रहे होते हो कराची से क्वेटा जा रहे हो, मैं अक्सर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बाई एयर ना जाऊँ, मैं ट्रेवल करूँ बाई रोड। उसका तो, मज़ा ही अपना होता है। हाँ उसका मज़ा ही है, उसमें यह है कि आप जैसे निकलते हैं हब पर रुके, वहाँ लोगों से मिले, होटल पर लोगों के साथ, कोई दुकानों वाला से उनसे पूछा भाई है क्या हो रहा है, बिजनेस किस तरह है, काम किस तरह हो रहा है, फिर एक जगह पर गए वहाँ कोई फीमेल सेंटर है वहाँ पर जाकर ख्वातीन के बारे में मालूम किया, फिर आगे जाकर एक झोंपड़ी है वहाँ लोगों से मिलते हो, वो अपनी चाय पेश कर देते हैं या जो भी उनका बना होता है वो कर देते हैं। तो इस तरह करते करते जो 5-6 घंटों का सफ़र होता है वो 12 घंटों में क्या हो जाता है, थे हो जाता है, मगर बड़ा मज़ेदार होता है, साथ साथ म्यूज़िक भी चल रही होती है। अब आपको पता है कि हर रोज़ आप न्यूज़पेपर उठाते हो तो आप उसमें कहीं पर बम ब्लास्टिंग, कहीं पर किलिंग होती है, कहीं पर रेप खबरें होती है, कहीं पर पता नहीं क्या क्या, बंदा दिल जो है वो उसका ऊपर आ जाता है कि कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं सोसाइटी में जो जिसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है, इन चीज़ों को बड़ा प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उससे पहले कॉलेज के, तो उसमें यानी कम पैसों पर
जो हमें टूर करवाए जाते थे। आज वो टूर अगर लाखों करोड़ों में हो, उस ज़माने के अगर उसमें सवो या हज़ारों में, तो वो बेहतर था। वो बेहतर हम जाते थे बड़े उसमें एक स्टडी के साथ साथ, एक फोकस के स्टडी करो और उसके लिए आप जाए टूर पर। आप सही जी। अच्छा जी, ज़रा सा ब्रेक पे जाना है अब्दुल हादी साहब हमारे पास, लेकिन ये सवाल मेरा यहीं तक अधूरा ही होगा कि ब्रेक पे आने से वापस जब आएंगे तो आपसे इस सवाल का जवाब मैं लूँगी कि ये जो दो सवाल थे, एक तो वो आई कौन थी ज़िंदगी में, और अगर आई तो कभी क्या वो हमसफ़र बनी, ज़रा इस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, टाइम थे आप ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की थी, अन्य कमर्शियल ब्रेक अप हुए। जी वेलकम बैक। कहीं खोड़ सारी शयूं आहिनि जिन ते असांखे डिस्कस करिणो आहे, पर ज़िंदगी में जीअं मां प्रोग्राम जी शुरुआत में बि चयो हो त ज़िंदगी खे जेतिरो ख़ूबसूरत नमूने जी सघो था ओतिरो जीओ, पंहिंजे पंहिंजे हदूद में रही। ख़बर पए त जी जेके तव्हांजा हदूद आहिनि उहे कुझु ॿिया आहिनि, ऐं तव्हां नज़र जंहिं ते रखी रहिया आहियो उन्हनि जा हदूद कुझु ॿिया आहिनि, त पंहिंजी हमेशह हदूद में रही, पंहिंजे पाण में रही ज़िंदगी खे ख़ूबसूरत कयो, न ई त ॿियनि जे घरनि में झाकी ज़िंदगी खे ख़ूबसूरत कयो। हाशिम भई, छो न कुझु ॿियो शामिलु कयूं प्रोग्राम खे बि ख़ूबसूरत करण जी कोशिशि कयूं था? हाशिम भई, साईं जी फरमाइश ते कुमार सानू होगी जी, कुमार सानू याद आ गया ना हमें? बिल्कुल बिल्कुल, अब हम उन्हीं का गाना सुनेंगे हम। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बन कर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा ta 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 ta
हाँ जी, याद आया आपको कुमार सानू? अब बहुत जबरदस्त मेहर साहिबा, और सर आपका भी बहुत बहुत माशाल्लाह। हाशिम भाई, कभी कभी आप इम्तिहान में क्यों डाल देते हैं लोगों को? गाना भी ना याद हो, पता भी ना हो गाना कैसे, लेकिन गाओ। कभी कभी इम्तिहान में डाल देते हैं आप लोगों को, आपको पता है? यही तो सीखना होता है, और इंसान प्रिपेयर करता रहता है, उन चीजों की तरफ जाता नहीं है, जाता नहीं है, बिल्कुल पता होता है कि जाएंगे तो होगा। ये बड़ी जोर से हम इस चीज को ना प्रमोट कर रहे हैं कि प्लानिंग छोड़े, चांद सितारे छोड़े, काम करने पर नहीं। मेविश साहब, आजकल ये है कि जैसे आशमी साहब ने यहाँ ये है, अभी देखो यूनिवर्सिटीज आप जाए, बिल्कुल वो माहौल नहीं रहा जो स्कूल का माहौल रहा, बिल्कुल उसी तरह वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी तरह आप कॉलेजेस जाए या बाहर से फिर स्टूडेंट बेचारे जब निकलते हैं, उनको जॉब की, रोज़गार की उसकी फिक्र होती है, फिर उसमें करते करते वो बेचारे 35 तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके बाद इनकी शादी हो जाती है, फिर और जिम्मेदारियां स्टार्ट होती हैं, तो करते करते कब्र तक फिर ये मसले इनके साथ जारी रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो एक हमारे यहाँ एक एक म्यूज़िकल शो या इस तरह कोई मोटिवेशनल शो, वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। लोग, मैं कहता हूँ ना, आजकल इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक सिलसिला है, वेव है जो जारी है, दिन ब दिन महंगाई, गुरबत में इजाफा, और ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट का कम होना, ये हमारा हलमिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक दफ़ा मैंने उसको कहा कि भैया अगर आप शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चला सकते, इमरान खान नहीं चला सकते, मेरे हवाले करे, वो सारे हंस पड़े। वो कहते हैं आपके पास कौन सी जादू की चड़ी है? मैंने कहा जादू की चड़ी नहीं है, असल में हम ग्रास रूट लेवल से काम कर गए हैं। निचले मुझे तो पाकिस्तान का एक एक कोने का पता है कि वहाँ उनके क्या प्रॉब्लम्स है। अब ड्राइंग रूम में बैठकर उस तरह पॉलिसियाँ तो नहीं बनती हैं, उसको जाना होता है। जो हकीकी लीडरशिप होती है उनका ये है कि आवाम से इनका सामना होता है, और वहाँ उसके अंदर जाते हैं इस तरह, तो फिर इनके मसाइल का पता चलता है, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर थ्री टीयर सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशल गवर्नमेंट, लोकल सिस्टम। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये 5 साल तो हो गए बलदियाती इलेक्शंस नहीं हो रहे, और जिसकी वजह से रोडों के आप हालात देख ले, बारिश हो तो पानी कड़ा होता है, बर्फ़बारी हो रही होती हो तो रोड बंद पड़े होते हैं। आप चमन से क्वेटा की तरफ आ रहे हो, कोजक टाप एक पहाड़ का नाम है, वहाँ 10-10 दिन तक पहाड़ बंद होते हैं, रोड बंद होते हैं, तो बेचारे वहाँ ज़िंदगी कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, तो उसको क्वेटा तक शिफ्ट करते करते बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। जी जी, ये दुनिया के किसी कोने में भी नहीं हो रहा, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इसको मजबूत होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब एमपी और एमएनए का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो टेके ले और उसके ऊपर काम करे, उसका काम ये है कि कानून साजी करें, बेहतरीन कानून साजी। अच्छा अब्दुल हाजी साहब, ज़रा ये एक चीज़ जो मैं समझना चाहती हूँ आपसे, लोगों का कहना बड़ा ये है कि जैसे आपने कहा इमरान खान ना चला सका, शहबाज शरीफ ना चला सका, जरदारी ना चला सका, तो मुझे दे दो। ये हर दूसरे बंदे का ख्याल यही होता है कि जी आपसे नहीं होता, हमें दे दे, हम कर लेते हैं। लेकिन मैं हमारे जो लोग हैं उनका कहना ये है कि क्यों ना जिस हालात में मुल्क अभी है, बजाय कि इसके हम ये डिसाइड करें कि इसने चलाना है या इसने चलाना है या इसने चलाना है, क्योंकि जब भी हर पार्टी जो आती है उसकी अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कुछ और होती है। कोई पार्टी किस स्ट्रैटेजी में स्ट्रांग होती है, कोई पार्टी किसी में होती है, किसी के जो बाहर के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं, किसी के अवाम के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कोई फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग होती है, और कोई किसी के पास टैलेंट बड़ा होता है, किसी के पास जैसे आपने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की आपने, किसी को उसका बड़ा पता होता है। तो ये पार्टीज कभी एक दिन मिल के क्यों ना एक दिन मिल के ये सारी पार्टीज़ अपने जितने भी पावर्स हैं सब एक जगह लगा लें, और फिर पहले ज़रा मुल्क को बेहतर बनाएं और फिर डिसाइड करें कि किसने लेके चलना है उसको। लेकिन एक चीज़ जो जो उस कंडीशन पे नहीं है जिसमें से जिसको आप ये समझ सकें कि नहीं जी ये चला लें या ये चला लें या ये कर लें या हम वोट के चक्कर में फंसे रहें,
क्यों ना हम अपनी वो सारी पावर्स लगा के पहले मुल्क को क्यों ना खूबसूरत बनाएं। हर पार्टी ये क्यों नहीं भूल जाती कि वो एक पार्टी है, वो पहले पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान है तो पार्टी है, ना हो तो वो पार्टी कुछ नहीं है। तो ये सारी पार्टीज़ पहले पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए क्यों नहीं एक साथ काम करती, ऐसा क्यों नहीं होता कभी? महवीर साहिबा, यही है, मैंने शुरू में जब शो में आने से पहले मैंने यही कहा कि ये पार्टियां नहीं, ये कंपनियां हैं, कंपनी लिमिटेड कंपनीज है, और लिमिटेड कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स पर अपने तरीके से होती है। हाँ, वो अपनी प्रमोशन, अपना ग्राउंड्स देकर, जबकि जो सियासी पार्टी होती है उसके अंदर जो लीडर्स होते हैं उसको हमेशा कौम की फिक्र रहती है कि अब हम पूरा मुल्क की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम किस तरह इसको चलें, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये चीज़ हमारे अंदर इसकी एक कमी है, तो इसलिए फ़र्क ये है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टियां तो बहुत सारी बनी, अभी मैं अगर एक पार्टी को पॉइंट आउट करूं बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। मैं सबका यही कहता हूँ कि दे आर लिमिटेड कंपनीज, दे जस्ट कंट्रोल द मैसेज, ठीक है, रूल ओवर देम, नथिंग एल्स, इनका कोई एजेंडा, कोई विजन नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर ये इसी तरह इस पर चलती है तो इसका फिर आपको पता है नुकसान क्या है? नुकसान यही होगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा जी, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, गुर्बत का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, माशरे तंजली इखलाक, जो इखलाकी गिरावट है वो बढ़ता जाएगा, अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क, ठीक है, इनसिक्योरिटी, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, एक प्रोविंस से वहाँ इनसिक्योरिटी, तो सारी चीज़ें फिर वहाँ से जन्म लेती हैं। अगर एक मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उसके नतीजे में लीडरशिप ग्रास रूट लेवल से उठती है जी, और उसको वो आप उसको ट्रेन करते हैं वक्त के साथ साथ, ट्रेन करके वो आकर ऊपर उठती है, तो फिर इसका एक ही फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा ये है कि वो सही मानों में कौम की नुमाइंदगी करते हैं। सही। तो आज पाकिस्तानी कौम जिस दलदल में फंसी हुई है इन्हीं हुक्मरानों की वजह से, मैं समझता हूँ कि अब इन कंपनियों को मजीद नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा उसका अगर कारोबार, पैसा, बच्चे सारे बाहर की दुनिया में हो और वो सारे हुकूमत इधर हुकूमत के लिए पाकिस्तान आते हैं और अपनी ज़िंदगी जो ऐश असरत की ज़िंदगी है वो बाहर गुजारते हैं, उसको उस मुल्क से क्या लेना देना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये कंपनीज कभी मर्ज नहीं हो सकती, कभी एक नहीं हो सकती? नहीं, मर्ज हो जाती है, लेकिन वो ये है कि एक बड़े स्कोप के लिए। हाँ जी, तो आप देख रहे हो, आप खुद आप इन चीज़ों को देख रहे हो, इसलिए आप, मैं 20 साल से आप देख ले, आपको अंदाज़ा होगा कि आप वही असम्बलियों का पूरा एक स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड आप निकाल कर देख ले, उसमें देख ले कि कितने लोग नए लोग गए हैं जी, वही है, आधे बेंचेस अपोजिशन बेंचेस पर बैठे होते हैं, अगले 5 साल के बाद फिर वो आकर ट्रेजरी बेंचेस बैठे होते हैं, यानी वही, फिर उसके बेटे आ रहे होते हैं, फिर उसका वो पोते आ रहे होते हैं, वो उसको तैयार कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इस वक्त इस कौम का मसला है वो ये है। पूरी दुनिया में आप देख ले, तरक्की याफ्ता ममालिक में गई नहीं हो तो पढ़ा तो ज़रूर होगा, अमेरिका में आपने ये नहीं सोचा कि क्लिंटन एक दो दफ़ा प्रेसिडेंट बनने के बाद उस तीसरी बार भी ये ख्वाहिश की कि मुझे बना लो, फिर उसके बाद या उसके बेटा है बेटी उठा हो और उसने ये कहा हो कि मुझे भी भाई सदर बनाओ, क्योंकि मेरे वाल साहब सदर रहे, अब मेरे भी उस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का हक है। बल्कि आप ये समझिए कि दुनिया का सुपर पावर, उसके जो 3 प्रेसिडेंट्स 4 प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बुश, क्लिंटन, ये तीनों, अब ये अपने एक उसको जो जितने अपने रिसोर्सेज होते उसके ऊपर वो करते हैं, उन्होंने इस तरह नहीं कि बड़े बड़े करप्शन करके अपने आप को कर रहा हो, तो कितनी दुनिया की जो कौमें बनती हैं, अब जितनी दुनिया के डेवलप्ड नेशंस के लीडर्स हैं वो जब सियासत से आप जब वो उसका सरकारी उदा छोड़ देते हैं, अब मैं बात बताऊँ कि सिर्फ हर सूबे में आप जाएँ, हर गवर्नमेंट के पास 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ होती हैं, मिनिस्टर सेक्रेटरीज और उसके पास होते हैं जी, जी। बरतानिया के जो कैबिनेट का है उनके कैबिनेट के पास कितनी गाड़ियाँ हैं? टोटल 45 गाड़ियाँ हैं, और वो इस तरह है कि अगर कोई मिनिस्टर है वो घर से आया जा रहा है उसके लिए गाड़ी तैयार है, ये नहीं है कि उसके लिए कोई 50-100 उसने अपनी गाड़ियाँ रखी है। सही।
तो इसलिए देखो सिस्टम तो ये जो वीआईपी कल्चर वाला सिस्टम है, मुझे लगता है अब्दुल हाजी साहब ये तो हमारे अंदर है, ये तो हमें नज़र आ रहा होता है। और हम क्योंकि स्पेसिफिकली एक पॉलिटिकल करियर पे बात कर रहे हैं तो हमें वो नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप वैसे भी देखें कि हमारे पास वो चीज़ें अलग तरीके से नज़र आ रही होती हैं, कोई जॉब की तरफ भी आप देख लें तो उसमें भी जो ये वीआईपी कल्चर है वो हमें नज़र आ रहा है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा वीर साहिब, एक था केपीके में सिराजुल्लाह का जमात इस्लामी का, मैं जमात इस्लामी से तो नहीं हूँ, उसका एक बता रहा था कि वहाँ एक सर्वे होती है सिटी का, वो सालाना उसके ऊपर मेरे ख्याल 15 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, गालिबन कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी जी। तो ये जब बना उस सर्वे के लिए, उसने अपनी गाड़ी ली, गाड़ी निकालने के पेट्रोल भरा, वो सारा सर्वे गनमैन तो उसके साथ थे, वो भी था जो उनका स्टाफ था, वो सारे करके आया है, तो उसने बिल उसके सामने रख दिया सेक्रेटरी के सामने, वो मेरे ख्याल 12,000 या 13,000 का बना। उसने कहा भाई साहब ये तो सर्वे है करोड़ों का है और आप हज़ारों में। उसने कहा भाई मैंने करके दिया। तो इस तरह ये देखो, इस चीज़ के ऊपर पैसा निकालो, उस चीज़ के ऊपर पैसा निकालो, इस चीज़ के ऊपर, ये कौम का जो टैक्स का पैसा, अभी आप ये सारा पैसा हम देते हैं कपड़ों के ऊपर, ये घड़ी के ऊपर, अंगूठी के ऊपर, सारी चीज़ों दिन रात देखो वो पैसा देते हैं, वो पैसा हुकूमत की ट्रेजरी में जाता है और वो अय्याशियों में उड़ा लेते हैं। अभी छः सिलेंडर गाड़ी रखी है, एक भी नहीं रखी है, दो भी नहीं रखी है, तीन तीन गाड़ियाँ हैं, फिर वो स्क्वाड भी है, आगे भी है, पीछे भी है, और उसके ज़रिए वो एक तो ये कर रहे हैं, फिर टेको में भी पैसा कर रहे हैं। टेको में इस तरह की लिस्ट है ऐसी चीजों की, ऐसी चीजों के बारे में क्या बताऊं जो हमको अभी हम ये ऐसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं नहीं ये तो इमरान खान भी ऐसी बातें करते थे, फिर आकर सबसे बड़ा उसने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इसलिए हम अवॉइड करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम ऐसी बातें नहीं, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। टाइम थे ब्रेक जो ताज से मुलाकात के था नंदी का बजल ब्रेक का पॉइंट। जी वेलकम बैक, कहीं खोड़ सारी शयूं आहिनि जिन ते अॼु प्रोग्राम में डिस्कशन थी आहे, खोड़ सारी ॻाल्हियूं आहिनि, खोड़ सारी हक़ीक़तूं बि आहिनि जिनको हमने डिस्कस किया, बड़ी सच्ची बातें भी कभी कभी मुंह से निकल जाती है। नहीं अब्दुल हाजी साहब, इंसान कंट्रोल बड़ा करता है लेकिन कभी कभार सच्चाई बड़ी ज़ोर से आ जाती है और बंदा बोल जाता है। नहीं अच्छा ये आप मुझे ज़रा एक सवाल, जो हमारी अभी जो आवाम देख रही है, इन सबका एक सवाल है, जितनी भी हमारे पास पार्टीज़ या कंपनीज़ हैं हमारे पास, उनसे एक सवाल है कि एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा हुक्मरान क्या होता है? हुक्मरान इस तरह नहीं होते कि ऊपर से आकर उसने पार्टी बनाई मीर साहिबा, वो आकर वो लीडर बना, उसने मीडिया के अट्रैक्शन के ज़रिए पैसा लगा के या इकलाबी बना कर, नहीं, लीडर हमेशा ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल करके, आप चाइना का प्रेसिडेंट देख ले, वो एक देहात से वो कराया है आज चाइना का प्रेसिडेंट बना, जिसकी वजह से चाइना अब देखो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है जी। तो ये क्या है, उसमें बेसिकली एक ही चीज़ है कि लीडरशिप हमेशा स्ट्रगल करके ग्रास रूट लेवल से वो लीडर बनता है उसको, क्योंकि उसको हकाइक का पता होता है, फिर वो उसी हिसाब से उसको लीड करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो लीडर इस तरह है कि बस एक लिमिटेड कंपनी है, उसका सीईओ फोत हो जाते हैं तो बेटा आ जाता है, सीईओ बन जाते हैं, हाँ जी, बेटी आ जाती है, कोई पोता आ जाता है, कोई और आ जाता है उसका करीबी जो भी हो, तो एक मुग़ल बादशाहों का जो एक सर्कल है वो जारी उसारी रहता है इसको, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इलीट, और पॉलिटिकल इलीट जिस भी मुल्क में हो वो उस कौम के लिए सबसे बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट एक होता है कि इक्तदार करो, पैसा बनाओ, बस रूल करो, यहाँ से ले जाओ बाहर अपनी आयशी की ज़िंदगी गुजारो। सही, इस वक्त अगर हम आपको एज ए पीएम, अगर हम आपको एज ए पीएम की सीट पे देखते हैं तो फॉर एग्जांपल, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक भी चीज़ें हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आपको यहाँ से उठने के बाद आपको पीएम की सीट पे बिठा दिया जाए तो अब्दुल हाजी साहब क्या समझते हैं कि सबसे पहले इकदाम हमें क्या करने चाहिए इस वक्त जो मुल्क की मीशत का हाल, जो हाल है, जो जिस तरह डॉलर जा रहा है, गोल्ड हमें नज़र आ रहा है, लोग जिस तरह जो हादसा हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें नज़र डालनी है, सबसे पहला स्टेप क्या उठाएंगे अब्दुल हादी साहब? इसमें यह है कि सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा मीर साहिबा के उसकी इकनॉमिक इमरजेंसी लगानी चाहिए,
वो डिक्लेयर करें, और उसमें फौरन दूसरा स्टेप हो वो एहतसाब का हो कि ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस वो अपने एसेट शो करें, ठीक है, जो पैसा बाहर रखा है अगर वो उसको लाना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल एमनेस्टी दें, सीवियर पनिशमेंट भी ना दें, अगर वो शो नहीं करना चाहते उधरी रखना चाहते फिर आप इनको कहें कि इस मुल्क में भी आपका रहने का हक नहीं है या हुकुमरानी करने का हक नहीं है, ये चीज़ें हो जाए तो मईशत खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। सही, अच्छा ऐसा नहीं लगता ये जी, ये अब्दुल हादी साहब ये जब हम क्राइटेरिया रखेंगे ऐसा नहीं लगता कि पीछे एक पीएम ही बचेगा, अब्दुल हादी साहब ही मुझे वहाँ सीट पर नजर आ रहे हैं, बाकी नीचे पूरी स्लॉट खाली होगी जिस तरह के आप कंडीशन लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी स्लॉट खाली होगी अकेले अब्दुल हादी साहब नहीं, नहीं जो मोहिब वतन होंगे जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले होंगे वो आकर कहेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में होता रहा, आप देखो 1933 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का सबसे बिजनेस वो पॉइंट है वो नीचे गिरा, वो कैसे उठे, आप जापान देख लिए उसके ऊपर एटम बम गिराया गया जी, और नागासा और हिरोशिमा पर, उसके बाद वो कैसे आज फिर वो कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है, जर्मनी आप देख ले उसकी फौज कम कर दी गई, उसको सीवियर पनिशमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दी गई और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, आप देख लो जर्मनी को दोबारा वो क्या हो गई, वो ऊपर उठ गए जी। तो आज जर्मनी की आप उसकी मईशत देख ले, वो क्या है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ लीडरशिप अपनी मुल्क से अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाले लोग, बिल्कुल ये चीज़ है, अगर ये चीज़ आ जाए तो ये पीएम का क्या, पीएम क्या मानी रख, कितने लोग गुजरे हैं पाकिस्तान में, अब देखो 22 आपके वज़ीर आज़म गुजरे हैं, सदर कितने गुजरे हैं, गवर्नर्स कितने, चीफ मिनिस्टर्स कितने गुजरे हैं, एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर सारे उदों पर वो, लेकिन देखो लोग उसको याद करेंगे, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ महातिर मोहम्मद की, जिसने 92 से लेकर 2000 तक मलाइशिया को लाजवाब तरक्की दी, वहाँ बड़े स्काइपर्स बने, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे हाईवे बने, रोड्स बने, हेल्थ के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम की, टूरिज्म के ऊपर काम किया, जो मलेशियन बाहर थे उनको कहा कि भाई अगर आपको अमेरिका में वा या दूसरे मालिक में आपको डॉलर के हिसाब से फॉर एग्जांपल $100,000 पे करते हैं, आज मैं आपको $200,000 पे करूंगा, आप मुल्क में सर्व करें, वा कर उसने मलेशिया को 8 साल में, अब मलेशिया अब देखो उसकी पोजीशन देख लो, वो एशिया का टाइगर है, मुस्लिम दुनिया का टाइगर है, बिल्कुल आप तुर्की देख ले, एक ही बंदा उठा महातिर मोहम्मद तैयब अर्दोगान उठा, वो एक काउंसलर से मेयर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक फिर प्रेसिडेंट तक, वो क्या हुआ, एक ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ बंदा, उसका वालिद वो था, वो तैराकी नहीं है लोगों को जो बचाते हैं मुल्ला जिसे कहते हैं, तो एक गरीब बंदा, तो महातिर मोहम्मद देख ले वो कौन है, उसका वालिद भी तो कोई वो तो नहीं था कि वो हाई फाई आलिशान स्टार महलों में रहते, महलों वाले कभी भी तब्दीली या ऐसी सोच नहीं ला सकते। सही, अच्छा एक और चीज़ अब्दुल हादी साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम बचा है, कुछ मिनट्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आपकी जो ये फॉर्म है ग्रीन पाकिस्तान फॉर्म जिसे आप कहते हैं, ज़रा इसके तरफ भी मैं नज़र डालूँ, और क्योंकि जैसे आपने कहा कि पीएम क्या है, पीएम कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है कि सीट आपको मिले ना मिले, जगह आपको मिले ना मिले, इक्तदार आपको मिले ना मिले, ज़रा इस पर तो हम जब मिलेगा तब हम डिस्कशन करेंगे इस पर, लेकिन इस वक्त ये फॉरम जहाँ पर है, इस वक्त जितने लोग इस फॉरम से मुंसलिक हैं, ये आपकी आपका जो ये फॉरम है ये कहाँ कहाँ सर्व कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा इस पर भी हम नज़र डालें, ये भी हम अपने व्यूवर्स को बताएं कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग कर रहे हैं। मेवीर साहब सबसे पहली बात तो ये है कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि एक देहात से लेकर शहर तक, देहातों में हम किसानों के पास जाते हैं, चरवाहों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, उनको उनके राइट्स बताते हैं, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं है, गर जब सर्दी होती है हम सिंध की तरफ पंजाब की तरफ मुंह करते हैं, जब मौसम गर्म हो जाता है फिर हम नादरन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो हमारा काम क्या है कि हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को उसको उसके बेसिक राइट्स बताने हैं, क्या आपका आप अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो ये कौम तरक्की कर सकती है, अदरवाइज़ आपके ऊपर वही चंद ख़ानदान चंद लोग पैसा जो रखते हैं जो आ रहे हैं अपनी कंपनी को मशहूर करें वही आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे और आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई भी मुस्तकबिल नहीं, आप ये जहन से निकालें कि आपका कोई मुस्तकबिल होगा। मैं आप बताऊँ
कि इराक, लीबिया, शाम जितने मालिक मुस्लिम दुनिया के मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और भी दुनिया के बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वादे को जब भी क्राइसिस आए उनकी सारी लीडरशिप भाग गई और मुल्क को वही उसी हाल पर छोड़ा। तो हमें क्या, हम ऐसे करने नहीं देंगे। सबसे पहले हम अपने मुल्क के मईशत को मजबूत करेंगे, दिफा को मजबूत करेंगे, यहाँ सियासी निज़ाम को मजबूत करेंगे, ताकि पाकिस्तान दुनिया में क्या हो, माशी तौर पर भी, दिफाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और हर लिहाज से तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुस्तहकम मुल्क हो। सही, आपने बड़ा, आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट पे आप लोग काम कर रहे हैं, उनको राइट्स बता रहे हैं, ये जो बातें बड़ी बड़ी सुनने को हमें आती हैं उस पर भी मैं ज़रा नज़र डालना चाहूँगी। ये जो बिरयानी के डब्बे पे वोट देने वाली कहानी है, ये कहाँ तक सच नज़र आती हैं आपको? कितनी आपको सच लगती है बिरयानी के डब्बे पर? क्या एक किलो चीनी पर, दो किलो चीनी पर, ऐसे भी हमें बताया गया कि वो चाय पका लेते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यानी देखो, गुर्बत और लाशौरी का एक हद है। कितनी आप देखो, शेरों से आप निकलते हो, आपको गुर्बत ही गुर्बत नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि लोकल सिस्टम को मजबूत बनाओ। क्योंकि आप देखो, लोकल गवर्नमेंट को क्यों नहीं करने दे रहे जी? जब देते उसमें बेताशा दानदी होती है। किसी भी सूबे में आप जाए, उसमें यही होता है, लोकल सिस्टम को मजबूत बनाएंगे तो ये MPA का रोल ख़त्म हो जाएगा, MNA का रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर ये फंड कहाँ से लेंगे? वज़ीर जो है, जो डिपार्टमेंट का सरबराह होता है, एडवाइज़र होता है, उसका सिर्फ काम यह है कि वो अपने डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ करें। जिस तरह दुनिया के डेवलप्ड नेशंस में होते हैं, आप उसको, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये इसलिए एम्पावर नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये ग्रास रूट लेवल से जो गरीब पाकिस्तानी है वो उठेंगे, फिर उनका सियासी खात्मा कर देंगे। इसलिए इन्होंने इनको इस हाल में गैस, बिजली, पानी, रोज़गार, ये वो हमेशा उसमें उलझा रखा है, जो पॉलिटिकल एलीट से उसके ऊपर हुक्मरानी करते हैं जी। ये जी, सबसे बड़ा मसला है इसको, और इसको हमें कवर करना है, इसके बारे में हमने सोचना है और इसके बारे में हमने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अब्दुलहादी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए, और बड़ी खूबसूरत जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो बड़ी खूबसूरत है, और दुआ है कि ये ऐसे ही खूबसूरत रहे हमेशा, चाहे सीट जो भी हो, लेकिन चीज़ें ऐसे ही खूबसूरत रहे। नहीं नहीं, मेविश साहब भाई, ये देखो, आप लोग की एक, आपका, आशमी साहब का, और आपके पूरे चैनल मुराद साहब का, ये पूरे आवाज़ टीवी का, ये देखो ये क्या है, एक वाकई एक जज्बा रखने वाला एक चैनल है जिसने मुझसे मेरा इंटरव्यू लेकर सब तक पहुंचाई, तो इसका मतलब ये है कि मैं आई सलूट यू। थैंक यू सो मच, और बड़ा शुक्रिया अपना टाइम निकाल के हमारे पास आने का। आखिर में हाशिम भाई जो आवाज़ से शामिल कर रहे हूँ, नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात वरी सुभाणे थींदी ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे। त हिन प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे फेस फ्रेश ब्यूटी क्रीम, बरकत फर्टिलाइज़र, हारी जी अज़मत, फसल में बरकत। मिलंदासीं सुभाणे, तेसिताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़। जी हाशिम भाई।
लैला भेजा दिए लैला तू छुते तेरे को दिले मना खुर को दिले मना खुर को भेजा दिए लैला भेजा दिए लैला 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 जानी लैला लैला व्यतन बना